श्रोमणी अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मानसा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा, आज तक पंजाब के किसी किसान का पूरा कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने अपनी सरकार के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रकाश सिंह बादल उनके दौरान उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा, अकाली सरकार बनने पर पंजाब से पूरी तरह नशा खत्म करेंगे। आज पंजाब के किसी कोने में चले जाओ, क्यों ना सारी चीजों की गल करो। मैं तो हर हफ्ते च जाके पूछती जरूर हाँ, भाई दस दो थोड़े पिंड में कोई एहोजा किसान हैगा जिन्हें कांग्रेस ने कहा सी सारा कर्जा माफ कर दिता जाऊगा, भावे बैंका का होए, कोपरेट का होए, आरतीए का होए, प्राइवेट बैंक का सारा कर्जा माफ हो जाऊगा। मैनु अज तक तो पंजाब च कोई लभ्या नहीं, लेकिन हो सकता है कि आज थोड़े पिंड च जरूर कोई एक अद्धा किसान होगा। हैगा कोई थोड़े पिंड च कोई किसान जिदा सारा कर्जा माफ हो गया? आज तुसी साडी सरकार लेके आओ, इस नशे नूं जे खत्म नहीं कीता ते मुड़ के थोड़े कोल नहीं आवांगे।